भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी का, यानी 9 ऐसे राज्य हैं जो कि अपनी समुद्र से तटीय रेखा बनाते हैं। भारतीय समुद्र तट 9 राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से अपनी सीमा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दमन और दीव और पंडुचेरी, इनकी सीमा भी समुद्र तट को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो आंसर होगा कन्याकुमारी, जिसको कैप कमोरियन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। आंसर होगा इसका इंदिरा पॉइंट। पीछे हमारा क्वेश्चन था कि भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो कैप कमोरियन है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडोमार निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। रेडक्लिफ रेखा, ये पाकिस्तान और भारत के बीच पड़ती है। डूरंट रेखा, जो कि अफगानिस्तान और भारत के बीच पहले पड़ती थी, अब ये डूरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने का कार्य करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिनमें राइट आंसर होगा भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो प्राचीन जनजाति है गोंड। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा बी का, भील जनजाति सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो हैं भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वे भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आदिवासी का लगभग 38% है। कितना प्रतिशत है? 38%। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है वो है भील, और प्राचीन जनजाति की बात करें तो वो है गोंड। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो आंसर होगा बी का, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बात करें कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उद्गम होता है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट। इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट, जो कि तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत से बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आसाम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए यह जमुना कहलाती है, यानी जमुना कहलाती है बांग्लादेश में ये। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, तथा असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है, असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, गंगा की मूल शाखा है पद्मा, उसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में किस नाम से बह रही है? जमुना नाम से। जमुना किस में मिल जाती है? पद्मा में, जो कि गंगा को बोला जाता है बांग्लादेश में। तो हमारा क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था, तो वो था जमुना। तो पद्मा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो ये मेघना कहलाती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। हमने पीछे देखा भी है कि गंगा की जो मूल धारा है
ये बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है ये बांग्लादेश में कहलाती है जमुना। और इनकी जब ये संयुक्त धारा होती है, यानी बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ में मिलती हैं, यानी पद्मा और जमुना जब मिलती हैं, तो इस संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेघना।